सीरम बनाना अगर आप चाहते हैं तो फौरन बना सकते हैं अपने घर में, वो भी विटामिन सी का सीरम, जो कि मार्केट में आपको मिलेगा 500 रुपये में, 600 रुपये में, 700 रुपये में, इतने महंगे महंगे सीरम होते हैं। और मैं आपको बताने से आऊँगी ओनली 10 रुपये में आपका सीरम बनकर रेडी होने वाला है। तो चलिए नो टाइम वेस्ट एंड मैक टाइम वेस्ट। सो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ एनी एंजल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है एनीथिंग अमेजिंग। तो जो मैं आपको सीरम बताने वाली हूँ वो बहुत ही इफेक्टिव सीरम है, उससे आपका चेहरा गोरा तो होगा और साथ में ग्लोइंग भी होगा, और अगर इसको आपके डार्क स्पॉट्स हैं तो वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे अगर आपने रोज़ डेली सुबह और शाम उसको अप्लाई किया तो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बिल्कुल सही बात बताती हूँ, और वो वाकई में सीरम मैंने खुद बनाया है और ख़ुद मैंने उसको अप्लाई किया है, और मैं उसे 10 दिन से अप्लाई कर रही हूँ रोज़ डेली, और मुझे वाकई बहुत इफेक्ट लगा तो मैंने सोचा आपको भी मैं उसको शेयर कर दूँ। सिर्फ 2 संतरे 2 ऑरेंज आप मार्केट से लेकर आएँ, और उसका जो पील होता है, उसका जो छिलका होता है, उसे आपको छीलना है। और कौन सा छिलका छीलना है, उसको कंप्लीट पूरा नहीं छीलना है, जैसे उसके नीचे व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है ना, उस पोर्शन को बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओनली आपको ऊपर वाला लेना है। लेकिन काट छीलने से पहले आपको क्या करना है, उसको धो लीजिए ताकि उसके अंदर जो मिट्टी धूल हो ना वो सब खत्म हो जाए। तो मैंने ये मम्मी से छिलवाया था क्योंकि इतना पतला पतला पोर्शन मुझसे ना एक्चुअली छिल नहीं रहा था, तो मेरी मम्मी ने कहा वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली वो हर काम कर देती हैं, तो उन्होंने ये भी अच्छी तरीके से छील दिया था। तो मैंने बहुत सारा उसको 2-3 मौसमियों का मैंने सॉरी संतरों का ऑरेंज का मैंने उसको छील कर उसका पील निकाल लिया, सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज, और जो व्हाइट पोर्शन था उसको नहीं लिया, ये याद रखिएगा ठीक है। अब आप उसको क्या करना है, उसको जो संतरे के जो छिलके थे उसको आपको एक पानी के अंदर कोई भी बाउल लीजिए, और बाउल के अंदर पानी भरिए, और पानी को आपको फ्रिज के अंदर उसको रख दीजिए ठीक है। अब उसको 1 दिन तक रखना है, यानी कि आप नेक्स्ट डे उसको यूज़ कर सकती हैं। कई लोग कितनी बड़ी गलती करते हैं पता है, क्या करते हैं उसको उबाल लेते हैं, मुझे ये सही नहीं लगता। क्यों सही नहीं लगता, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को इतना उबालते हैं ना, इतना बॉईल करते हैं, तो उसके विटामिन ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल श्याँ करके उड़ जाते हैं और दिखते नहीं हैं। तो आपको उसे उबालना नहीं है, 1 दिन उसको ढक कर रख दें, पानी में भर कर फ्रिज के अंदर रख दें, ये बेस्ट तरीका होता है। अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, पानी समेत उसको अच्छी तरीके से मिक्सर में डालें और पीस लें उसको, बिल्कुल आपको पानी जैसा बना देना है। जब आप उसे पीस लेंगे ना तो आप देखेंगे उसको एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा जूस की तरह वो शो होगा, और बहुत ही प्यारा लगेगा, और उसकी स्मेल तो आपकी इतनी फ्रेशनेस हो जाएगी उससे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ठीक है, आपको ये करना है, फिर आप जब वो पीस लेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ऑरेंज वाटर बन जाएगा, तो आपको उसको छानना है ठीक है। अब जब आप उसे छान लेंगे, स्टैंड कर लेंगे अच्छी तरीके से, फिर उसे किसी बॉटल में भर के रख दें ताकि आप उससे बाद में भी सीरम बना लें ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो जो बॉटल में आपने भर के रखा है ना, मैंने भी रखा है, ये देखिए ये मेरी बॉटल है, ये मैंने बहुत सारा यूज़ कर लिया है और इसमें थोड़ा सा बचा है अभी भी, तो ऐसी बॉटल में आप भर कर रख सकती हैं। और रखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से ओनली 2 चम्मच लीजिए और एक कटोरी में डालिए, और 1 चम्मच भर कर एलोवेरा जेल लेना है, और घर का एलोवेरा जेल नहीं चलेगा, मार्केट का ही एलोवेरा जेल लेना है ठीक है। आप कोई सा भी ले सकती हैं जो कंपनी आपको सूट करती है ओके। तो आप एलोवेरा जेल लेने 1 चम्मच भर कर फुल, और फिर उसके बाद आपको 2 विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं ठीक है। वो विटामिन ई के कैप्सूल्स 2 मिलाने हैं, 2 इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके फेस पर एक अलग सी शाइनिंग आएगी, आप खुद कहेंगे वाह मेरा फेस चमक गया ठीक है। तो ये सब मिक्सअप कर लें, अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लें, बिल्कुल मिलाते रहें, मिक्स कर लें, किसी भी कंटेनर में आप भर कर रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए फ्रिज के अंदर। मैंने तो ईतर की शीशी में रखा है, अप्लाई करने में ईजी होता है, आप जिसमें चाहें रखें, आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग हो जाएगा, चमक जाएगा और बहुत ही मतलब खूबसूरत होगा और ग्लोइंग ग्लोइंग सा लगेगा। आप एक बार इसे ज़रूर आजमाएं और कॉमेंट करके बताएँ कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर।